माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस टाइम। आई बिलीव यू आर क्वाइट वेल एंड एनर्जेटिक। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखिए, ह्यूमन आई जो है ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। बॉडी में सेंस ऑर्गन होते हैं, जानते हो बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। उन्हीं सेंस ऑर्गन में एक आई भी है जो कि देखने से संबंधित है। आई तो द ह्यूमन आई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज यूज्ड टू सी ब्यूटीफुल नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। आँख के द्वारा जो हम संसार को देखते हैं, संसार की सुंदरता को देखते हैं और प्राकृतिक जो फिनोमेना हैं, घटनाएं हैं, जैसे कि इंद्रधनुष का बनना और बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं, इन सबको जो है आँख के द्वारा ही देखा जा सकता है। आँख के द्वारा देखने के लिए लाइट भी चाहिए, प्रकाश जो है, लाइट इज नेसेसरी। तो इसके पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई क्या है। द ह्यूमन आई लाइक ए कैमरा। ह्यूमन आई जो है कैमरा की बात है, वर्क करती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ स्फेरिकल आई बॉल विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। इसमें जो है ये आई बॉल होता है जिसमें कि 2.3 है, 2.3 सेंटीमीटर इसका जो है डायमीटर होता है। द वॉल ऑफ द आई वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। आई वॉल है उसकी वॉल जो है 3 लेयर्स उसमें होती हैं। इस स्क्लेरोटिक लेयर ये आउटर कोटिंग है एंड कोरोइड्स लेयर ये मिडिल कोटिंग है एंड रेटना इनर कोटिंग है। रेटना जो है ये इनर कोटिंग है। तो इस प्रकार से ये 3 लेयर्स होती है इसमें। द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई कॉर्निया, आयरिस, प्यूपिल, आई लेंस, सीलरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स एंड ब्लाइंड स्पॉट। ये जो है इसके मेन पार्ट्स हैं, इनको देखेंगे, इसका फिगर भी बनाएंगे। देखिए जो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लेंस है, ये क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टल का ये प्रोटीन का बना हुआ होता है क्रिस्टलाइन लेंस। और ये क्रिस्टलाइन लेंस जो है ये सस्पेंसरी लेगामेंट इसके द्वारा ये सस्पेंड रहता है, इस पर हैंगिंग रहता है। और यहाँ पर जो ये सीलरी मसल्स होती है, सीलरी मसल्स जो है इसे लेंस के जो फोकस है, फोकल लेंथ है, उसको जो है कम या ज़्यादा करती हैं, ये एडजस्ट करती हैं, इसकी फोकल लेंथ को सीलरी मसल्स ही एडजस्ट करती हैं। यहाँ पर ये सस्पेंसरी लेगामेंट और सीलरी मसल्स, ये देखिए यहाँ पर आयरिस ही है। इससे पहले देखो यहाँ पर ये जो है क्या है, कॉर्निया जो है। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है, ये यहाँ से पूरा पार्ट ये क्या है, कॉर्निया, ये उभरा हुआ भाग है कॉर्निया। और इसमें जो है एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है। और यहाँ पर जो आयरिस है, आयरिस एक कर्टन कवर करता है, यहाँ ये प्यूपल स्पेस बनाता है, प्यूपल है। और ये सीलरी मसल्स हैं, ये सीलरी मसल्स यहाँ पर हैं और सीलरी मसल्स जो है ऊपर भी हैं, ठीक है। आगे इसमें जो है देखेंगे विट्रस ह्यूमर भरा हुआ, और यहाँ से लेकर पूरा पार्ट ये क्या है, रेटना है। रेटना यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं, स्क्लेरोटॉइड लेयर, कोरोइड लेयर एंड रेटना। यहाँ पर ये ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट इसी में। यहाँ पर जो है ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, यहाँ पर नहीं पाई जाती है, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनता है, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स इसी जो इमेज बनता है उसको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके, और ये सीधा डायरेक्ट जो है ब्रेन में पहुंचता है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ ऑफ ह्यूमन आई। इसको अच्छी प्रकार से बनाएंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बनाना सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये पार्ट हुए कॉर्निया, आयरिस, प्यूपिल, आई लेंस, सीलरी मसल्स,
रेटना, ऑप्टिक नर्व्स एंड ब्लाइंड स्पॉट, मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्निया, अंडरस्टैंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। इट इज द वल्जिंग आउटवर्ड पार्ट विच इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस। द लाइट रिफ्लेक्ट बाई ऑब्जेक्ट्स एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। तो इसमें जो ये उभरा हुआ भाग होता है और ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस का बना हुआ होता है, द लाइट रिफ्लेक्ट बाई ऑब्जेक्ट्स एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। तो आँख में जो है कॉर्निया के द्वारा ही लाइट पहुँचती है। सेकेंड है आयरिस। ठीक है, अभी फिगर में देखा था आयरिस जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आयरिस। आयरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम। ये डायफ्राम होता है, कर्टन कवर करता है। इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, दस इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटना। रीचिंग द रेटना, तो रेटना के पास जो इतनी जो लाइट पहुंचती है उसको ये आयरिस कंट्रोल्स करता है। द आई कलर इज डिफाइंड बाई आयरिस। तो आँख का कलर जो है वो आयरिस किस कलर का है इससे जो है डिफाइंड होता है। तो आयरिस जो है ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट प्यूपिल, इट इज द होल इन द मिडिल ऑफ आयरिस। इट इज द होल इन द मिडिल ऑफ आयरिस। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो प्यूपिल जो है ये एक स्पेस होता है जो कि आयरिस के द्वारा कंट्रोल रेगुलेट रहता है, कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो लाइट अमाउंट एंट्री करती है उसको जो है पीपल कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आई लेंस। आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस। इट मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड जेली प्रोटीन्स। क्रिस्टलाइन लेंस होता है। फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ आई लेंस एंड कैन बी चेंज्ड। पावर ऑफ आई लेंस कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ सीलरी मसल्स। तो आई लेंस की पावर जो है सीलरी मसल द्वारा जो है चेंज हो जाती है। फोकल लेंथ भी चेंज होती है। द फोकस द लाइट टू फोकस द लाइट फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट इट बिकम्स थिक एंड टू फोकस फार ऑब्जेक्ट्स इट बिकम्स थिन। तो आई लेंस जो है ये थिक या थिन हो जाता है, जो कि हम पास की वस्तुएँ देखते हैं और दूर की वस्तुएं देखते हैं उसके लिए फोकल लेंथ को एडजस्टमेंट ये करता है किसके द्वारा, सीलरी मसल जो है इस फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। तो टू फोकस द लाइट फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट इट बिकम्स थिक एंड टू फोकस फॉर ऑब्जेक्ट इट बिकम्स थिन। फिफ्थ सीलरी मसल्स। द सीलरी मसल्स इज ए रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स। तो सीलरी मसल्स जो हैं ये स्मूथ फाइबर्स की बनी हुई होती हैं, स्मूथ फाइबर्स की। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस इन द आई टू एकोमोडेशन। तो सीलरी मसल्स ही एकोमोडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और ये लेंस की शेप को चेंज कर देती हैं, उसकी पावर को, फोकल लेंथ को चेंज कर देती हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स कनेक्ट द सीलरी मसल्स टू द लेंस, दस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन बी चेंज्ड बाय द एक्शन ऑफ सीलरी मसल्स। तो फोकल लेंथ जो है वो सीलरी मसल्स के एक्शन द्वारा जो है चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है रेटिना। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना जो है स्क्रीन का वर्क करता है, इसी पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है। रेटना इज बिहाइंड द आई लेंस। रेटना इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। दो प्रकार के सेल्स इसमें होती हैं, रॉड शेप्ड सेल्स। अब देखिए इनका वर्क क्या है। रॉड शेप्ड सेल्स आर लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं ये लाइट किस प्रकार की है,
दी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिम लाइट एंड ब्राइट लाइट। डिम लाइट और ब्राइट लाइट के ये जो है उसको डिफ्रेंशिएट करती है, पहचानती है। एंड सेकेंड सेल्स हैं इसमें होती कॉन शेप्ड सेल्स। कॉन शेप्ड सेल्स आर कलर सेंसिटिव सेल्स, ये कलर सेंसिटिव सेल्स होती हैं। दीज गिव्स ए सेंस अबाउट द कलर, और ये जो है कलर के बारे में बताती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के इसमें रेटना में सेल्स होती हैं, रॉड शेप्ड सेल्स एंड कॉन शेप्ड सेल्स। रेटना में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर के ये सेल्स नहीं होती हैं, वो ब्लाइंड स्पॉट होता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटना इज एन ऑप्टिकल सिग्नल। इमेज जो है रेटना पर बनता है ये ऑप्टिकल सिग्नल होता है। दिस ऑप्टिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है बाय द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटना। लाइट सेंसिटिव सेल ऑफ रेटना, दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर देन सेंड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व्स एंड देन गिव्स राइज टू सेंसेशन ऑफ विजन। तो ये जो है ये सिग्नल्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन को भेज दिए जाते हैं, और इस प्रकार से ये किसके द्वारा भेजते हैं, ऑप्टिक नर्व के द्वारा, और इस प्रकार से ब्रेन में जो है सेंसेशन ऑफ विजन होता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट। एट द जंक्शन ऑफ रेटना एंड ऑप्टिक नर्व्स देयर इज नो लाइट सेंसिटिव सेल्स रॉड्स एंड कॉन। तो यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स और रेटना, मतलब जो है यहाँ ऑप्टिक नर्व्स मिलती हैं, उस जगह पर रॉड्स और कॉन सेल्स ये नहीं होती है। ड्यू टू विच विजन इज नॉट पॉसिबल, वहाँ पर कोई इमेज नहीं बनता एट दैट पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ रेटना, ये जो है रेटना का स्मॉल पार्ट होता है, इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनता है। इमेज क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर रॉड्स और कॉन सेल्स जो है नहीं होती है। तो ये फोकस है योर माइंड ऑन योर गोल, अपने गोल पर जो है फोकस करेंगे, माइंड को गोल सेट करेंगे, जानेंगे हमारा गोल क्या है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे, और हमेशा जो है एक मोटिवेटेड रहे, और अपना कंसंट्रेशन जो है इम्प्रूव करें, पढ़ाई की तरफ जो है कंसंट्रेट माइंड को रखें, और एवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जो बाधाएं उत्पन्न करते हों इस प्रकार से इनको जो है उनसे दूर रहें। नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर, द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विद ए लिक्विड विच इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ये जो है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड फिल्ड होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट है विट्रस ह्यूमर, द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटना इज फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट वाटरी लिक्विड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। ये जो है विट्रस ह्यूमर होता है, इस प्रकार से इसका ये फिगर बनाएंगे, और फिगर बना के सभी पार्ट हैं इनको अच्छी प्रकार से लिखेंगे, लर्न कर लेंगे, फिगर की प्रैक्टिस करेंगे, और एवरी पार्ट का देखेंगे इनका फंक्शन क्या है, इनका जो है फंक्शन क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोस ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड बेस्ट ऑफ लक।